कर्म रहस्य। दूसरों की शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करके उनकी सहायता करना महान कर्म अवश्य है, परंतु अभाव की मात्रा जितनी अधिक रहती है तथा सहायता या उपकार जितनी अधिक दूर तक अपना असर कर सकता है, उसी मात्रा में वो उपकार भी उच्चतर होता है। यदि एक मनुष्य के अभाव एक घंटे के लिए हटाए जा सकें तो ये उसकी सहायता अवश्य है, और यदि एक साल के लिए हटाए जा सकें तो ये उससे भी अधिक सहायता है। पर यदि उसके अभाव सदा के लिए दूर कर दिए जाएं तो सचमुच वो उसके लिए सबसे अधिक सहायता होगी। केवल आध्यात्मिक ज्ञान ही ऐसा है जो हमारे दुखों को सदा के लिए नष्ट कर सकता है। अन्य किसी प्रकार के ज्ञान से तो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति केवल अल्प समय के लिए ही होती है। केवल आत्मविषयक ज्ञान द्वारा ही हमारी अभाव वृत्ति तक का सदा के लिए अंत हो सकता है। अतएव किसी मनुष्य की आध्यात्मिक सहायता करना ही उसकी सबसे बड़ी सहायता करना है। जो मनुष्य को पारमार्थिक ज्ञान दे सकता है वही मानव समाज का सबसे बड़ा हितैषी है। हम देखते भी हैं कि जिन व्यक्तियों ने मनुष्य की आध्यात्मिक सहायता की है वे ही वास्तव में महान शक्तिशाली थे। कारण यह है कि आध्यात्मिकता ही हमारे जीवन के समस्त कृत्यों का सच्चा आधार है। आध्यात्मिक शक्तिशाली पुरुष चाहे तो किसी भी विषय में क्षमता संपन्न हो सकता है, और जब तक मनुष्य में आध्यात्मिक बल नहीं आता तब तक उसकी भौतिक आवश्यकताएं भी तो भली भांति तृप्त नहीं हो सकती। आध्यात्मिक सहायता के नीचे है बौद्धिक विकास में सहायता करना, पर साथ ही ये ज्ञान दान भोजन तथा वस्त्र के दान से कहीं श्रेष्ठ है। इतना ही नहीं वरन प्राण दान से भी उच्च है, क्योंकि ज्ञान ही मनुष्य का प्रकृत जीवन है। अज्ञान ही मृत्यु है और ज्ञान जीवन। यदि जीवन अंधकारमय है और अज्ञान तथा क्लेश में बीतता है तो वास्तव में ऐसे जीवन का मूल्य कुछ भी नहीं है। ज्ञान दान से नीचे है शारीरिक सहायता का दान। अतएव हमारे सम्मुख जब दूसरों की सहायता का प्रश्न उपस्थित होता है तो हमें इस मूल धारणा से सदा बचे रहने का प्रयत्न करना चाहिए कि शारीरिक सहायता ही एकमात्र सहायता है। वास्तव में शारीरिक सहायता तो सब सहायताओं में केवल अंतिम ही नहीं वरन निम्न श्रेणी की भी है, क्योंकि इसके द्वारा चिर तृप्ति नहीं हो सकती। भूखे रहने से जो कष्ट होता है उसका परिहार भोजन कर लेने से ही हो जाता है, परंतु वो भूख पुनः लौट आती है। हमारे क्लेशों का अंत तो तभी हो सकता है जब हम तृप्त होकर सब प्रकार के अभावों से परे हो जाएं। तब सुधा हमें पीड़ित नहीं कर सकती और न कोई क्लेश अथवा दुख ही हमें विचलित कर सकता है। अतएव जो सहायता हमें आध्यात्मिक बल देती है वो सर्वश्रेष्ठ है। उससे नीचे है बौद्धिक अथवा मानसिक सहायता, और सबसे नीचे है शारीरिक सहायता का स्थान। मात्र शारीरिक सहायता द्वारा ही संसार के दुखों से छुटकारा नहीं पाया जा सकता। जब तक मनुष्य का स्वभाव ही परिवर्तित नहीं हो जाता तब तक ये शारीरिक आवश्यकताएं सदा बनी ही रहेंगी, और फलस्वरूप क्लेशों का सदैव अनुभव भी होता रहेगा। कितनी भी शारीरिक सहायता उनका पूर्ण उपचार नहीं कर सकती। इस दुख समस्या की केवल एक ही मीमांसा है, और वो है समस्त मानव जाति को पवित्र कर देना। अपने चारों ओर हम जो दुख क्लेश देखते हैं उन सब का केवल एक ही मूल कारण है, अज्ञान। मनुष्य को ज्ञान लोक दो, उसे आध्यात्मिक बल संपन्न करो। यदि हम ये करने में समर्थ हों, यदि सभी मनुष्य पवित्र आध्यात्मिक बल संपन्न और सुशिक्षित हो जाएं, केवल तभी संसार में दुख का अंत हो सकेगा, अन्यथा नहीं। देश के प्रत्येक घर को हम सदावर्त में भले ही परिणित कर दें, देश को अस्पतालों से भले ही भर दें, परंतु जब तक मनुष्य का चरित्र परिवर्तित नहीं होता तब तक दुख क्लेश बना ही रहेगा। भगवद गीता में हमें इस बात का बारंबार उपदेश मिलता है कि
हमें निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। कर्म स्वभावतः ही सत असत से मिश्रित होता है। हम ऐसा कोई भी कर्म नहीं कर सकते जिससे कहीं कुछ भला ना हो, और ऐसा भी कोई कर्म नहीं है जिससे कहीं ना कहीं कुछ हानि ना हो। प्रत्येक कर्म अनिवार्य रूप से गुण दोष से मिश्रित रहता है, परंतु फिर भी शास्त्र हमें सतत कर्म करते रहने का ही आदेश देते हैं। सत और असत दोनों का अपना अलग अलग फल होगा। सत कर्मों का फल सत होगा और असत कर्मों का फल असत, परंतु सत और असत दोनों ही आत्मा के लिए बंधन स्वरूप हैं। इस संबंध में गीता का कथन है कि यदि हम अपने कर्मों में आसक्त न हो तो हमारी आत्मा पर किसी प्रकार का बंधन नहीं पड़ सकता। अब हम देखेंगे कि कर्मों में अनासक्ति का तात्पर्य क्या है। गीता का मूल सूत्र यह है कि निरंतर कर्म करते रहो, परंतु उसमें आसक्त मत हो। जिस ओर मन का विशेष झुकाव होता है, स्थूल रूप से उसे ही संस्कार कह सकते हैं। यदि मन को एक तालाब मान लिया जाए तो उसमें उठने वाली प्रत्येक लहर जब शांत हो जाती है तो वास्तव में वो बिल्कुल नष्ट नहीं हो जाती, वरन चित्त में एक प्रकार का चिन्ह छोड़ देती है तथा ऐसी संभावना का निर्माण कर जाती है जिससे वो लहर दोबारा फिर से उठ सके। इस चिन्ह तथा इस लहर के फिर से उठने की संभावना को मिलाकर हम संस्कार कह सकते हैं। हमारा प्रत्येक कार्य, हमारा प्रत्येक अंग संचालन, हमारा प्रत्येक विचार हमारे चित्त पर इसी प्रकार का एक संस्कार छोड़ जाता है, और यद्यपि यह संस्कार ऊपरी दृष्टि से स्पष्ट ना हो तथापि वे अज्ञात रूप से अंदर ही अंदर कार्य करने में विशेष प्रबल होते हैं। हम प्रति मुहूर्त जो कुछ हैं वो इन संस्कारों के समुदाय द्वारा ही नियमित होता है। मैं इस मुहूर्त जो कुछ हूं वो मेरे अतीत जीवन के समस्त संस्कारों का प्रभाव है। इसे ही प्रकृति दृष्टि से चरित्र कहते हैं, और प्रत्येक मनुष्य का चरित्र इन संस्कारों की समष्टि द्वारा ही नियमित होता है। यदि शुभ संस्कारों का प्राबल्य रहे तो मनुष्य का चरित्र अच्छा होता है, और यदि अशुभ संस्कारों का तो बुरा। यदि एक मनुष्य निरंतर बुरे शब्द सुनता रहे, बुरे विचार सोचता रहे, बुरे कर्म करता रहे तो उसका मन भी बुरे संस्कारों से पूर्ण हो जाएगा, और बिना उसके जाने ही वे संस्कार उसके समस्त विचारों तथा कार्यों पर अपना प्रभाव डाल देंगे। असल में ये बुरे संस्कार निरंतर अपना कार्य करते रहते हैं। अतएव बुरे संस्कार संपन्न होने के कारण उस व्यक्ति के कार्य भी बुरे होंगे और वो एक बुरा आदमी बन जाएगा। इसके सिवा अन्यथा होना असंभव है। ये बुरे संस्कार उसमें दुष्कर्म करने की प्रबल प्रवृत्ति उत्पन्न कर देंगे। वो तो इन संस्कारों के हाथ एक यंत्र सा होकर रह जाएगा। वे उसे बलपूर्वक दुष्कर्म करने के लिए बाध्य करेंगे। इसी प्रकार यदि एक मनुष्य अच्छे विचार रखे और सत्कार्य करे तो उसके इन संस्कारों का प्रभाव भी अच्छा ही होगा, तथा उसकी इच्छा न होते हुए भी वे उसे सत्कार्य करने के लिए प्रवृत्त करेंगे। जब मनुष्य इतने सत्कार्य एवं सत्चिंतन कर चुकता है कि उसकी इच्छा न होते हुए भी उसमें सत्कार्य करने की एक अनिवार्य प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है, तब फिर यदि वो दुष्कर्म करना भी चाहे तो इन सब संस्कारों की समष्टि स्वरूप उसका मन उसे ऐसा करने से फौरन रोक देगा। इतना ही नहीं, वरन उसके ये संस्कार उसे उस मार्ग पर से हटा देंगे। तब वो अपने संस्कारों के हाथ एक कठपुतली जैसा हो जाएगा। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तभी उस मनुष्य का चरित्र गठित कहलाता है। जिस प्रकार कछुआ अपने सब अंगों को खपड़े के अंदर समेट लेता है और तब उसे चाहे हम मार ही क्यों ना डालें, उसके टुकड़े टुकड़े ही क्यों ना कर डालें, पर वो बाहर नहीं निकलता, इसी प्रकार जिस मनुष्य ने अपने मन एवं इंद्रियों को वश में कर लिया है उसका चरित्र भी सदैव स्थिर रहता है। वो अपनी आभ्यांतरिक शक्तियों को वश में रखता है और उसकी इच्छा के विरुद्ध संसार की कोई भी वस्तु
उसके मन पर कार्य नहीं कर सकती। मन के ऊपर इस प्रकार सद्विचारों एवं सुसंस्कारों का निरंतर प्रभाव पड़ते रहने से सत्कार्य करने की प्रवृत्ति प्रबल हो जाती है और इसके फलस्वरूप हम इंद्रियों, कर्मेंद्रिय तथा ज्ञानेंद्रिय दोनों को वश में करने में समर्थ होते हैं। तभी हमारा चरित्र प्रतिष्ठित होता है, तभी हम सत्य लाभ कर सकते हैं। ऐसा ही मनुष्य सदैव निरापद रहता है, इससे किसी भी प्रकार की बुराई नहीं हो सकती। वो फिर कहीं भी रहे, उसके लिए कोई धोखा नहीं है। इन शुभ संस्कारों से संपन्न होने की अपेक्षा एक और भी अधिक उच्चतर अवस्था है और वो है मुक्ति लाभ की इच्छा। तुम्हें यह स्मरण रखना चाहिए कि सभी योगों का ध्येय आत्मा की मुक्ति है और प्रत्येक योग समान रूप से उसी ध्येय की ओर ले जाता है। भगवान बुद्ध ने ध्यान से तथा ईसा मसीह ने प्रार्थना द्वारा जिस अवस्था की प्राप्ति की थी, मनुष्य केवल कर्म द्वारा भी उस अवस्था को प्राप्त कर सकता है। बुद्ध ज्ञानी थे और ईसा मसीह भक्त, पर वे दोनों एक ही ध्येय को पहुंचे थे। मुक्ति का अर्थ है संपूर्ण स्वाधीनता, शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के बंधनों से छुटकारा पा जाना। इसे समझना जरा कठिन है। लोहे की जंजीर भी एक जंजीर है और सोने की जंजीर भी एक जंजीर है। यदि हमारी उंगली में एक कांटा चुभ जाए तो उसे निकालने के लिए हम एक दूसरा कांटा काम में लाते हैं, परंतु जब वो निकल जाता है तो हम दोनों को ही फेंक देते हैं। हमें फिर दूसरे कांटे को रखने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि दोनों आखिर कांटे ही तो हैं। इसी प्रकार कुसंस्कारों का नाश शुभ संस्कारों द्वारा करना चाहिए और मन के खराब विचारों को अच्छे विचारों द्वारा दूर करते रहना चाहिए, जब तक कि समस्त कुविचार लगभग नष्ट न हो जाएं, अथवा पराजित न हो जाएं, या वशीभूत होकर मन में कहीं एक कोने में न पड़े रह जाएं। परंतु उसके उपरांत शुभ संस्कारों पर भी विजय प्राप्त करना आवश्यक है, तभी जो आसक्त था वो अनासक्त हो जाता है। कर्म करो, अवश्य करो, पर उस कर्म अथवा विचार को अपने मन के ऊपर कोई गहरा प्रभाव न डालने दो। लहरें आएं और जाएं, मांसपेशियां और मस्तिष्क से बड़े बड़े कार्य होते रहें, पर देखना वे आत्मा पर किसी प्रकार का गहरा प्रभाव न डालने पाए। अब प्रश्न ये है कि यह हो कैसे सकता है। हम देखते हैं कि हम जिस किसी कर्म में लिप्त हो जाते हैं उसका संस्कार हमारे मन में रह जाता है। मान लो सारे दिन में मैं सैकड़ों आदमियों से मिला और उन्हीं में से एक ऐसे व्यक्ति से भी मिला जिससे मुझे प्रेम है। तब यदि रात को सोते समय मैं उन सब लोगों को स्मरण करने का प्रयत्न करूं तो देखूंगा कि मेरे सम्मुख केवल उसी व्यक्ति का चेहरा आता है जिसे मैं प्रेम करता हूं, भले ही उसे मैंने केवल एक मिनट के लिए ही देखा हो। उसके अतिरिक्त अन्य सब व्यक्ति अंतर्हित हो जाएंगे। ऐसा क्यों? इसलिए कि इस व्यक्ति के प्रति मेरी विशेष आसक्ति ने मेरे मन पर अन्य सभी लोगों की अपेक्षा एक अधिक गहरा प्रभाव डाल दिया था। शरीर विज्ञान की दृष्टि से तो सभी व्यक्तियों का प्रभाव एक सा ही हुआ था। प्रत्येक व्यक्ति का चेहरा नेत्रपट पर उतर आया था और मस्तिष्क में उसके चित्र भी बन गए थे, परंतु फिर भी मन पर इन सब का प्रभाव एक समान न था। संभवतः अधिकतर व्यक्तियों के चेहरे एकदम नए थे, जिनके बारे में मैंने पहले कभी विचार भी न किया होगा। परंतु वो चेहरा जिसकी मुझे केवल एक झलक ही मिली थी भीतर तक समा गया। शायद इस चेहरे का चित्र मेरे मन में वर्षों से रहा हो और मैं उसके बारे में सैकड़ों बातें जानता हूं। अतः उसकी इस एक झलक ने ही मेरे मन में उन सैकड़ों सोती हुई यादगारों को जगा दिया। और इसीलिए शेष अन्य सब चेहरों को देखने के समवेत फल स्वरूप मन में जितने सब संस्कार पड़े, इस एक चेहरे को देखने से मेरे मानस पटल पर उन सब की अपेक्षा 100 गुना अधिक संस्कार पड़ गया। इसी कारण उसने मन के ऊपर सहज ही इतना प्रबल प्रभाव जमा दिया। अतएव अनासक्त हो, कार्य होते रहने दो, मस्तिष्क के केंद्र अपना अपना कार्य करते रहें,
निरंतर कार्य करते रहें, परंतु एक लहर को भी अपने मन पर प्रभाव मत डालने दो। संसार में इस प्रकार कर्म करो मानो तुम एक विदेशी पथिक हो, दो दिन के लिए यहां आए हो। कर्म को निरंतर करते रहो, परंतु अपने को बंधन में मत डालो। बंधन बड़ा भयानक है। संसार हमारी निवास भूमि नहीं है, ये तो उन सोपानों में से एक है जिनमें से होकर हम जा रहे हैं। सांख्य दर्शन के उस महाकाव्य को मत भूलो, समस्त प्रकृति आत्मा के लिए है, आत्मा प्रकृति के लिए नहीं। प्रकृति के अस्तित्व का प्रयोजन आत्मा की शिक्षा के निमित्त ही है, इसका और कोई अर्थ नहीं। उसका अस्तित्व इसलिए है कि आत्मा को ज्ञान लाभ हो जाए तथा ज्ञान द्वारा आत्मा अपने को मुक्त कर ले। यदि हम ये बात निरंतर ध्यान में रखें तो हम प्रकृति में कभी आसक्त न होंगे। हमें यह ज्ञान हो जाएगा कि प्रकृति हमारे लिए एक पुस्तक सदृश है जिसका हमें अध्ययन करना है, और जब हमें उससे आवश्यक ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो फिर वो पुस्तक हमारे लिए किसी काम की नहीं रहेगी। परंतु इसके विपरीत हो ये रहा है कि हम अपने को प्रकृति में ही मिला दे रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि आत्मा प्रकृति के लिए है, आत्मा शरीर के लिए है। और जैसा कि एक कहावत है, हम सोचते हैं मनुष्य खाने के लिए ही जीवित रहता है, न कि जीवित रहने के लिए खाता है। और ये भूल हम निरंतर करते रहते हैं। प्रकृति को ही अहम मानकर हम प्रकृति में आसक्त बने रहते हैं, और ज्यों ही इस आसक्ति का प्रादुर्भाव होता है त्यों ही आत्मा पर प्रबल संस्कार का निर्माण हो जाता है जो हमें बंधन में डाल देता है, और जिसके कारण हम मुक्त भाव से कार्य न करके दास की तरह कार्य करते रहते हैं। इस सारी शिक्षा का सार यही है कि तुम्हें एक स्वामी के समान कार्य करना चाहिए, न कि एक दास की तरह। कर्म तो निरंतर करते रहो, परंतु एक दास के समान मत करो। सब लोग किस प्रकार कर्म कर रहे हैं क्या ये तुम नहीं देखते? इच्छा होने पर भी कोई आराम नहीं ले सकता। 10% लोग तो दासों की तरह कार्य करते रहते हैं और उसका फल है दुख। ये सब कार्य स्वार्थ परक होते हैं। मुक्त भाव से कर्म करो, प्रेम सहित कर्म करो। प्रेम शब्द का यथार्थ अर्थ समझना बहुत कठिन है, बिना स्वाधीनता के प्रेम आ ही नहीं सकता। दास में सच्चा प्रेम होना संभव नहीं। यदि तुम्हें गुलाम मोल ले लो और उसे जंजीरों से बांधकर उससे अपने लिए कार्य कराओ तो वो कष्ट उठाकर किसी प्रकार कार्य करेगा अवश्य, पर उसमें किसी प्रकार का प्रेम नहीं रहेगा। इसी तरह जब हम संसार के लिए दासवत कर्म करते हैं तो इसके प्रति हमारा प्रेम नहीं रहता, और इसलिए वो सच्चा कर्म नहीं हो सकता। हम अपने बंधु बांधवों के लिए जो कर्म करते हैं, जहां तक कि हम अपने स्वयं के लिए भी जो कर्म करते हैं, उसके बारे में भी ठीक यही बात है। स्वार्थ के लिए किया गया कार्य दास का कार्य है, और कोई कार्य स्वार्थ के लिए है अथवा नहीं, इसकी पहचान यह है कि प्रेम के साथ हुआ प्रत्येक कार्य आनंददायक होता है। सच्चे प्रेम के साथ किया हुआ कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जिसके फलस्वरूप शांति और आनंद ना आए। प्रकृत सत्ता, प्रकृत शान तथा प्रकृत प्रेम, ये तीनों चिरकाल के लिए परस्पर संबंध हैं। असल में ये एक ही में तीन है। जहां एक रहता है वहां शेष दो भी अवश्य रहते हैं। ये उस अद्वितीय सच्चिदानंद के ही त्रिविध रूप हैं। जब वो सत्ता शांत, सीमित तथा सापेक्ष रूप में प्रतीत होती है तो हम उसे विश्व के रूप में देखते हैं। वो ज्ञान भी सांसारिक वस्तु विषय ज्ञान के रूप में परिणित हो जाता है, तथा वो आनंद मानव हृदय में विद्यमान समस्त प्रकृत प्रेम की नींव हो जाता है। अतएव सच्चे प्रेम से प्रेमी अथवा उसके प्रेम पात्र को भी कष्ट नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए मान लो एक मनुष्य एक स्त्री से प्रेम करता है। वो चाहता है कि वो स्त्री केवल उसी के पास रहे। अन्य पुरुषों के प्रति उस स्त्री के प्रत्येक व्यवहार से उसमें ईर्ष्या का उद्रेक होता है। वो चाहता है कि वो स्त्री उसी के पास बैठे, उसी के पास खड़ी रहे तथा उसी की इच्छा अनुसार खाए पिए और चले फिरे।
वो स्वयं उस स्त्री का गुलाम हो गया है और चाहता है कि वो स्त्री भी उसकी गुलाम होकर रहे। ये तो प्रेम नहीं है, ये तो गुलामी का एक प्रकार का विकृत भाव है जो ऊपर से प्रेम जैसा दिखाई देता है। यह प्रेम नहीं हो सकता क्योंकि वो क्लेशदायक है। यदि वो उस मनुष्य की इच्छा अनुसार ना चले तो उससे उस मनुष्य को कष्ट होता है। वास्तव में सच्चे प्रेम की प्रतिक्रिया दुखप्रद तो होती ही नहीं, उसमें तो केवल आनंद ही होता है। और यदि उससे ऐसा ना होता हो तो समझ लेना चाहिए कि वो प्रेम नहीं है, बल्कि वो कोई और ही चीज है जिसे हम भ्रमवश प्रेम कहते हैं। जब तुम अपने पति, अपनी स्त्री, अपने बच्चे, यहां तक कि समस्त विश्व को इस प्रकार प्रेम करने में सफल हो सकोगे कि उससे किसी प्रकार दुख, ईर्ष्या अथवा स्वार्थपरता रूप कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी, केवल तभी तुम ठीक ठीक अनासक्त हो सकोगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, यदि मैं कर्म करने से एक क्षण के लिए भी रुक जाऊं तो सारा विश्व ही नष्ट हो जाएगा। मुझे कर्म से किसी भी प्रकार का लाभ नहीं, मैं ही जगत का एकमात्र प्रभु हूं, फिर भी मैं कर्म क्यों करता हूं? इसलिए कि मुझे संसार से प्रेम है। ईश्वर अनासक्त है। क्यों? इसलिए कि वे सच्चे प्रेमी हैं। उस सच्चे प्रेम से ही हम अनासक्त हो सकते हैं। जहां कहीं आसक्ति है वहां जान लेना चाहिए कि वो केवल भौतिक आकर्षण है, केवल कुछ जड़ कणों के प्रति आकर्षण हो रहा है, मानो कोई एक चीज दो वस्तुओं को लगातार निकटतर खींचे ला रही है। और यदि वे दो वस्तुएं काफी निकट नहीं आ सकती तो फिर कष्ट उत्पन्न होता है। परंतु जहां सच्चा प्रेम है वहां भौतिक आकर्षण बिल्कुल नहीं रहता। ऐसे प्रेम चाहे सहस्त्रों योजन दूर पर क्यों न रहें, उनका प्रेम सदैव वैसा ही रहता है। वो प्रेम कभी नष्ट नहीं होता, उससे कभी कोई क्लेशदायक प्रतिक्रिया नहीं होती। इस प्रकार की अनासक्ति प्राप्त करना लगभग जीवन भर का कार्य है, परंतु इसका लाभ होते ही हमें अपनी प्रेम साधना का लक्ष्य प्राप्त हो जाता है और हम मुक्त हो जाते हैं। तब हम प्रकृति के बंधन से छूट जाते हैं और उसके असली स्वरूप को जान लेते हैं। फिर वो हमें बंधन में नहीं डाल सकती। तब हम बिल्कुल स्वाधीन हो जाते हैं और कर्म के फलाफल की ओर ध्यान नहीं देते। फिर कौन परवाह करता है कि कर्मफल क्या होगा? जब तुम अपने बच्चों को कोई चीज देते हो तो क्या उसके बदले में उनसे कुछ मांगते हो? यह तो तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उनके लिए काम करो, और बस वहीं पर बात खत्म हो जाती है। इसी प्रकार किसी दूसरे पुरुष, किसी नगर अथवा देश के लिए तुम जो कुछ करो उसके प्रति भी वैसा ही भाव रखो। उनसे किसी प्रकार के बदले की आशा ना रखो। यदि तुम सदैव ऐसा ही भाव रख सको कि तुम केवल दाता ही हो, जो कुछ तुम देते हो उससे तुम किसी प्रकार के प्रत्युपकार की आशा नहीं रखते, तो उस कर्म से तुम्हें किसी प्रकार की आसक्ति नहीं होगी। आसक्ति तभी आती है जब हम बदले की आशा रखते हैं। यदि दासवत कार्य करने से स्वार्थपरता और आसक्ति उत्पन्न होती है तो अपने मन का स्वामी बनकर कार्य करने से अनासक्ति द्वारा उत्पन्न आनंद का लाभ होता है। हम बहुधा अधिकार और न्याय की बातें किया करते हैं, परंतु वे सब केवल एक बच्चे की बोली के समान हैं। मनुष्य के चरित्र का नियमन करने वाली दो चीजें होती हैं, एक जोर जुल्म और दूसरी दया। जोर जुल्म का उपयोग करना सदैव स्वार्थपरतावश ही होता है। बहुधा सभी स्त्री पुरुष अपनी शक्ति और सुविधा का यथासंभव उपयोग करने का प्रयत्न करते हैं। दया दैवी संपत्ति है। भले बनने के लिए हमें दयायुक्त होना चाहिए। यहां तक कि न्याय और अधिकार भी दया पर ही प्रतिष्ठित होने चाहिए। कर्म फल की लालसा तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में बाधक है। इतना ही नहीं, अंत में उससे क्लेश भी उत्पन्न होता है। दया और निस्वार्थपरता को कार्य रूप में परिणत करने का एक और उपाय है,
और वो है कर्मों को उपासना रूप मानना यदि हम साकार ईश्वर में विश्वास रखते हैं। यहां हम अपने समस्त कर्मों के फल ईश्वर को समर्पित कर देते हैं और इस प्रकार उनकी उपासना करते हुए हमें इस बात का कोई अधिकार नहीं रह जाता कि हम अपने किए हुए कर्मों के बदले में मानव जाति से कुछ मांगे। प्रभु स्वयं निरंतर कार्य करते रहते हैं और वो सारी आसक्ति से परे हैं। जिस प्रकार पानी कमल के पत्ते को नहीं भिगो सकता, उसी प्रकार कोई कर्म भी फलाशक्ति उत्पन्न करके निस्वार्थी पुरुष को बंधन में नहीं डाल सकता। अहम शून्य और अनासक्त पुरुष किसी जनपूर्ण और पापमय नगर के बीच ही क्यों न रहे, पर पाप उन्हें स्पर्श तक न कर सकेगा। निम्नलिखित कहानी संपूर्ण स्वार्थ त्याग का एक दृष्टांत है। कुरुक्षेत्र के युद्ध के 5 पांडवों ने एक बड़ा भारी यज्ञ किया। उसमें निर्धनों को बहुत सा दान दिया गया। सभी लोगों ने उस यश की महत्ता एवं ऐश्वर्य पर आश्चर्य प्रकट किया और कहा कि ऐसा यज्ञ संसार में इससे पहले कभी नहीं हुआ था। यश के बाद उस स्थान पर एक छोटा सा नेवला आया। नेवले का आधा शरीर सुनहला था और शेष आधा भूरा। वो नेवला उस यज्ञ भूमि की मिट्टी पर लौटने लगा। थोड़ी देर बाद उसने दर्शकों से कहा, तुम सब झूठे हो, ये कोई यज्ञ नहीं है। लोगों ने कहा, क्या तुम कहते क्या हो, ये कोई यज्ञ ही नहीं है। तुम जानते हो इस यश में कितना खर्च हुआ है, गरीबों को कितने हीरे जवाहरात बांटे गए हैं जिससे वे सब के सब धनी एवं खुशहाल हो जाएं। ये तो इतना बड़ा यज्ञ था कि ऐसा शायद ही किसी मनुष्य ने किया हो। परंतु नेवले ने कहा, सुनो, एक छोटे से गांव में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था, साथ ही उसकी स्त्री, पुत्र और पुत्रवधु। वे लोग बड़े गरीब थे। पूजा पाठ से उन्हें जो कुछ मिलता था उसी पर उनका निर्वाह होता था। एक बार उस गांव में 3 साल तक अकाल पड़ा, जिससे उस बेचारे ब्राह्मण के दुख कष्ट की पराकाष्ठा हो गई। एक बार तो सारे कुटुंब को 5 दिन तक उपवास करना पड़ा। 6ठे दिन वो ब्राह्मण भाग्यवश कहीं से थोड़ा सा जौ का आटा ले आया। उस आटे के 4 भाग किए गए। उन्होंने उसकी रोटी बनाई और ज्यों ही वे खाने बैठे, किसी ने दरवाजे को खटखटाया। पिता ने उठकर दरवाजा खोला तो देखते हैं कि बाहर एक अतिथि खड़ा है। भारतवर्ष में अतिथि बड़ा पवित्र माना जाता है। वो तो उस समय के लिए नारायण ही समझा जाता है और उसके साथ तरु व्यवहार भी किया जाता है। अतएव उस गरीब ब्राह्मण ने कहा, महाराज पधारिए, आपका स्वागत है। और उसने अतिथि के सामने अपना भाग रख दिया। अतिथि उसे जल्दी खा गया और बोला, अरे आपने तो मुझे और भी मार डाला। मैं 10 दिन से भूखा हूं और भोजन के इस छोटे टुकड़े ने तो मेरी भूख और भी बढ़ा दी है। तब स्त्री ने अपने पति से कहा, आप मेरा भाग भी दे दीजिए। पति ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। परंतु स्त्री अपनी बात पर अड़ी रही और कहा, वो बेचारा गरीब भूखा है, हमारे यहां आया है। गृहस्थ की हैसियत से हमारा यह धर्म है कि हम उसे भोजन कराएं। यह देखकर कि आप उसे अधिक नहीं दे सकते, पत्नी के नाते मेरा यह कर्तव्य है कि मैं उसे अपना भाग भी दे दूं। ऐसा कह उसने भी अपना भाग अतिथि को दे दिया। अतिथि ने वो भी खा लिया और कहा, मैं तो भूख से अभी भी जल रहा हूं। तब लड़के ने कहा, आप मेरा भाग भी ले लीजिए, क्योंकि पुत्र का यह धर्म है कि वो पिता के कर्तव्यों को पूरा करने में उन्हें सहायता दे। अतिथि ने वो भी खा लिया, परंतु फिर भी उसकी तृप्ति नहीं हुई। अतएव बहू ने भी अपना भाग दे दिया। अब यह पर्याप्त हो गया और अतिथि ने उनको आशीर्वाद दे विदा ली। उसी रात वे चारों बेचारे भूख से पीड़ित हो मर गए। उस आटे के कण इधर उधर जमीन पर बिखर गए थे और जब मैंने उन पर लोट लगाई तो मेरा आधा शरीर सुनहला हो गया, जैसा कि तुम अभी देख रहे हो। उस समय से मैं संसार भर में भ्रमण कर रहा हूं और चाहता हूं कि किसी दूसरी जगह भी मुझे ऐसे ही यज्ञ देखने को मिले, परंतु वैसा यज्ञ मुझे कहीं देखने को नहीं मिला। मेरा शेष आधा शरीर किसी दूसरी जगह सुनहला न हो सका, इसीलिए तो कहता हूं कि यह कोई यज्ञ ही नहीं है। त्याग का ये भाव भारतवर्ष से धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। महानुभव व्यक्तियों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है।
जब बचपन में मैंने अंग्रेजी पढ़ना आरंभ किया था, उस समय मैंने अंग्रेजी की एक पुस्तक पढ़ी जिसमें एक ऐसे कर्तव्यपरायण बालक का वर्णन था जिसने काम करके जो कुछ उपार्जन किया था उसका कुछ भाग अपनी वृद्ध माता को दे दिया था। उस बालक के इस कृत्य की प्रशंसा पुस्तक के 3-4 पृष्ठों में गाई गई थी। परंतु इसमें कौन सी असाधारण बात है? कोई भी हिंदू बालक उस कहानी की नीति शिक्षा को नहीं समझ सकता, और मुझे भी उसका महत्व आज ही समझ में आ रहा है जब मैं इस पश्चिमी रिवाज को सुनता तथा देखता हूं कि यहां प्रत्येक मनुष्य अपने अपने लिए ही है। इस देश में ऐसे भी लोग अनेक हैं जो सब कुछ अपने लिए ही रख लेते हैं, उनके पिता, माता, स्त्री और बच्चों की, फिर चाहे जैसी दशा क्यों ना हो। एक गृहस्थ का ऐसा आदर्श तो कदापि ना होना चाहिए। अब तुमने देखा कर्मयोग का अर्थ क्या है। उसका अर्थ है मौत के मुंह में भी बिना तर्क वितर्क के सबकी सहायता करना। भले ही तुम लाखों बार ठगे जाओ पर मुंह से एक बात तक ना निकालो, और तुम जो कुछ भले कार्य कर रहे हो उनके संबंध में सोचो तक नहीं। निर्धन के प्रति किए गए उपकार पर गर्व मत करो और न उससे कृतज्ञता की ही आशा रखो, बल्कि उल्टे तुम ही उसके कृतज्ञ हो ये सोचकर कि उसने तुम्हें दान देने का एक अवसर दिया है। अतएव ये स्पष्ट है कि एक आदर्श सन्यासी होने की अपेक्षा एक आदर्श गृहस्थ होना अधिक कठिन है। यथार्थ कर्ममय जीवन, यथार्थ त्यागमय जीवन की अपेक्षा यदि अधिक कठिन नहीं तो कम से कम उसके बराबर कठिन तो अवश्य है। कर्तव्य क्या है? कर्मयोग का तत्व समझने के लिए यह जान लेना आवश्यक है कि कर्तव्य क्या है। यदि मुझे कोई काम करना है तो पहले मुझे ये जान लेना चाहिए कि मेरा कर्तव्य क्या है, और तभी मैं उसे कर सकता हूं। विभिन्न जातियों में, विभिन्न देशों में इस कर्तव्य के संबंध में भिन्न भिन्न धारणाएं हैं। एक मुसलमान कहता है कि जो कुछ कुरान शरीफ में लिखा है वही मेरा कर्तव्य है। इसी प्रकार एक हिंदू कहता है कि जो कुछ मेरे वेदों में लिखा है वही मेरा कर्तव्य है। फिर एक ईसाई की दृष्टि में जो कुछ उसकी बाइबल में लिखा है वही उसका कर्तव्य है। इससे हमें स्पष्ट दिख पड़ता है कि जीवन में अवस्था, काल एवं जाति के भेद से कर्तव्य के संबंध में धारणाएं भी बहुविध होती हैं। अन्यान्य सार्वभौमिक भावसूचक शब्दों की तरह कर्तव्य शब्द की भी ठीक ठीक व्याख्या करना दुरह है। व्यावहारिक जीवन में उसकी परिणति तथा उसके फलाफलों द्वारा ही हमें उसके संबंध में कुछ धारणा हो सकती है। जब हमारे सामने कुछ बातें घटती हैं, हम सब लोगों में उस संबंध में एक विशेष रूप से कार्य करने की स्वाभाविक अथवा पूर्ण संस्कारानुयायी प्रवृत्ति उदित हो जाती है, और प्रवृत्ति के उदय होने पर मन उस घटना के संबंध में सोचने लगता है। कभी तो वो ये सोचता है कि इस प्रकार की अवस्था में इसी तरह कार्य करना उचित है, फिर किसी दूसरे समय उसी प्रकार की अवस्था होने पर भी पूर्वोक्त रूप से कार्य करना अनुचित प्रतीत होता है। कर्तव्य के संबंध में सर्वत्र साधारण धारणा यही देखी जाती है कि सत्पुरुषगण अपने विवेक के आदेशानुसार कर्म किया करते हैं। परंतु वो क्या है जिससे एक कर्म कर्तव्य बन जाता है? जीने मरने की समस्या के समय एक ईसाई के सामने गोमांस का एक टुकड़ा रखने पर भी यदि वो अपनी प्राण रक्षा के लिए उसे नहीं खाता, अथवा किसी दूसरे मनुष्य के प्राण बचाने के लिए वो मांस नहीं दे देता, तो उसे निश्चय ही ऐसा लगेगा कि उसने अपना कर्तव्य नहीं किया। परंतु इसी अवस्था में यदि एक हिंदू स्वयं वो गोमांस का टुकड़ा खा ले अथवा किसी दूसरे हिंदू को दे दे, तो अवश्य उसे भी ठीक उसी प्रकार ये लगेगा कि उसने अपना कर्तव्य नहीं किया। हिंदू जाति की शिक्षा तथा संस्कार ही ऐसे हैं जिनके कारण उसके हृदय में ऐसे भाव जागृत हो जाते हैं। पिछली शताब्दी में भारतवर्ष में डाकुओं का एक मशहूर दल था जिन्हें ठग कहते थे। वे किसी मनुष्य को मार डालना तथा उसका धन छीन लेना अपना कर्तव्य समझते थे।
वे जितने अधिक मनुष्यों को मारने में समर्थ होते थे उतना ही अपने को श्रेष्ठ समझते थे। साधारणतया यदि एक मनुष्य सड़क पर जाकर किसी दूसरे मनुष्य को बंदूक से मार डाले तो निश्चय ही उसे यह सोचकर दुख होगा कि कर्तव्य भ्रष्ट हो उसने अनुचित कार्य कर डाला है। परंतु यदि वही मनुष्य एक फौज के सिपाही की हैसियत से एक नहीं बल्कि बीसों आदमियों को भी मार डाले तो उसे यह सोचकर अवश्य प्रसन्नता होगी कि उसने अपना कर्तव्य बहुत सुंदर ढंग से निभाया। इस प्रकार ये स्पष्ट है कि केवल किसी कार्य विशेष का विचार करने से ही हमारा कर्तव्य निर्धारित नहीं होता। अतएव केवल बाह्य कार्यों के आधार पर कर्तव्य की व्याख्या करना नितांत असंभव है। अमुख कार्य कर्तव्य है तथा अमुख अकर्तव्य। कर्तव्याकर्तव्य का इस प्रकार विभाग निर्देश नहीं किया जा सकता, परंतु फिर भी आंतरिक दृष्टिकोण सब्जेक्टिव साइड से कर्तव्य की व्याख्या हो सकती है। यदि किसी कर्म द्वारा हम भगवान की ओर बढ़ते हैं तो वो सत्कर्म है और वो हमारा कर्तव्य है, परंतु जिस कर्म द्वारा हम नीच गिरते हैं वो बुरा है, वो हमारा कर्तव्य नहीं। आंतरिक दृष्टिकोण से देखने पर हमें प्रतीत होता है कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो हमें उन्नत बनाते हैं और दूसरे ऐसे जो हमें नीचे ले जाते हैं और पशुवत बना देते हैं। किंतु विभिन्न व्यक्तियों में कौन सा कार्य किस तरह का भाव उत्पन्न करेगा यह निश्चित रूप से बताना असंभव है। सभी युगों में समस्त संप्रदायों और देशों के मनुष्यों द्वारा मान्य यदि कर्तव्य का कोई ऐसा सार्वभौमिक भाव रहा है तो वो है परोपकारः पुण्यान्य पापाय परिपीडनम्, अर्थात परोपकार ही पुण्य है और दूसरों को दुख पहुंचाना ही पाप है। श्रीमद् भगवद गीता में जन्मजात तथा अवस्थागत कर्तव्यों का बारंबार वर्णन है। जीवन के विभिन्न कर्तव्यों के प्रति मनुष्य का जो मानसिक और नैतिक दृष्टिकोण रहता है वो अनेक अंशों में उसके जन्म और उसकी अवस्था द्वारा नियमित होता है। इसीलिए अपनी सामाजिक अवस्था के अनुरूप एवं हृदय तथा मन को उन्नत बनाने वाले कार्य करना ही हमारा कर्तव्य है। परंतु ये विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि सभी देश और समाज में एक ही प्रकार के आदर्श एवं कर्तव्य प्रचलित नहीं है। इस विषय में हमारी अज्ञता ही एक जाति की दूसरी जाति के प्रति घृणा का मुख्य कारण है। एक अमेरिका निवासी समझता है कि उसके देश की प्रथाएं ही सर्वोत्कृष्ट हैं, अतएव जो कोई उसकी प्रथाओं के अनुसार बर्ताव नहीं करता वो दुष्ट है। इसी प्रकार एक हिंदू सोचता है कि उसी के रस्म रिवाज संसार भर में ठीक और सर्वोत्तम है, और जो उनका पालन नहीं करता वो महादुष्ट है। हम सहज ही इस भ्रम में पड़ जाते हैं और ऐसा होना बहुत स्वाभाविक भी है, परंतु ये बहुत अहितकर है। संसार में परस्पर के प्रति सहानुभूति के अभाव एवं पारस्परिक घृणा का ये प्रधान कारण है। मुझे स्मरण है जब मैं इस देश में आया और जब मैं शिकागो प्रदर्शनी में जा रहा था तो किसी आदमी ने पीछे से मेरा साफा खींच लिया। मैंने पीछे घूमकर देखा तो अच्छे कपड़े पहने हुए एक सज्जन दिखाई पड़े। मैंने उनसे बातचीत की और जब उन्हें यह मालूम हुआ कि मैं अंग्रेजी भी जानता हूं तो वे बहुत शर्मिंदा हुए। इसी प्रकार उसी सम्मेलन में एक दूसरे अवसर पर एक मनुष्य ने मुझे धक्का दे दिया। पीछे घूमकर जब मैंने उससे कारण पूछा तो वो भी बहुत लज्जित हुआ और हकला हकला कर मुझसे माफी मांगते हुए कहने लगा, आप ऐसी पोशाक क्यों पहनते हैं? इन लोगों की सहानुभूति बस अपनी ही भाषा और वेशभूषा तक सीमित थी। शक्तिशाली जातियां कमजोर जातियों पर जो अत्याचार करती हैं उसका अधिकांश इसी दुर्भावना के कारण होता है। मानव मात्र के प्रति मानव का जो बंधु भाव रहता है उसको ये सोख लेता है। संभव है वो मनुष्य जिसने मेरी पोशाक के बारे में पूछा था, जो मेरे साथ मेरी पोशाक के कारण ही दुर्व्यवहार करना चाहता था, एक भला आदमी रहा हो, एक सनातन वत्सल पिता और एक सभ्य नागरिक रहा हो, परंतु उसकी स्वाभाविक सहृदयता का अंत बस उसी समय हो गया जब उसने मुझ जैसे एक व्यक्ति को दूसरे वेश में देखा। सभी देशों में विदेशियों को अनेक अत्याचार सहने पड़ते हैं क्योंकि वो ये नहीं जानते कि परदेश में अपने को कैसे बचाएं, और इस प्रकार वे उन देशवासियों के प्रति
अपने देश में मूल धारणाएं साथ ले जाते हैं। मल्लाह, सिपाही और व्यापारी दूसरे देशों में ऐसे अद्भुत व्यवहार किया करते हैं जैसे अपने देश में करना वे स्वप्न में भी नहीं सोच सकते। शायद यही कारण है कि चीनी लोग यूरोप और अमेरिका निवासियों को विदेशी भूत कहा करते थे, पर यदि उन्हें पश्चिमी देश की सज्जनता तथा उसकी नम्रता का भी अनुभव हुआ होता तो शायद वो ऐसा ना कहते। अतएव हमें जो एक बात विशेष रूप से ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है कि हम दूसरे के कर्तव्यों को उसी की दृष्टि से देखें, दूसरे के रीति रिवाजों को अपने रीति रिवाज के मापदंड से ना जांचें। यह हमें विशेष रूप से जान लेना चाहिए कि हमारी धारणा के अनुसार सारा संसार नहीं चल सकता, हमें ही सारे संसार के साथ मिलजुल कर चलना होगा। सारा संसार कभी भी हमारे भाव के अनुकूल नहीं चल सकता। इस प्रकार हम देखते हैं कि देश, काल, पात्र के अनुसार हमारे कर्तव्य कितने बदल जाते हैं। और सबसे श्रेष्ठ कर्म तो यह है कि जिस विशिष्ट समय पर हमारा जो कर्तव्य हो उसी को हम भली भांति निभाएं। पहले तो हमें जन्म से प्राप्त कर्तव्य को करना चाहिए और उसके चुकने के बाद समाज जीवन में हमारे पद के अनुसार जो कर्तव्य हो उसे संपन्न करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति जीवन में किसी न किसी अवस्था में अवस्थित है, उसके लिए पहले उसी अवस्थानुयायी कर्म करना आवश्यक है। मानव स्वभाव की एक विशेष कमजोरी यह है कि वो स्वयं अपनी ओर कभी नजर नहीं फेरता। वो तो सोचता है कि मैं भी राजा के सिंहासन पर बैठने योग्य हूं, और यदि मान लिया जाए कि वो है भी, तो सबसे पहले उसे ये देख लेना चाहिए कि वो अपने वर्तमान पद का कर्तव्य भली भांति कर चुका है। होने पर तब उसके सामने उच्चतर कर्तव्य आएंगे। जब संसार में हम लगन से काम शुरू करते हैं तो प्रकृति हमें चारों ओर से धक्के देने लगती है और शीघ्र ही हमें इस योग्य बना देती है कि हम अपना वास्तविक पद निर्धारित कर सकें। जो जिस कार्य के उपयुक्त नहीं है वो दीर्घ काल तक उस पद में रहकर सबको संतुष्ट नहीं कर सकता। अतएव प्रकृति हमारे लिए जिस कार्य का विधान करती है उसका विरोध करना व्यर्थ है। यदि कोई मनुष्य छोटा कार्य करे तो उसी कारण वो छोटा नहीं कहा जा सकता। कर्तव्य के केवल ऊपरी रूप से ही मनुष्य की उच्चता या नीचता का निर्णय करना उचित नहीं। देखना तो ये चाहिए कि वो अपना कर्तव्य किस भाव से करता है। बाद में हम देखेंगे कि कर्तव्य की ये धारणा भी परिवर्तित हो जाती है, और ये भी देखेंगे कि सबसे श्रेष्ठ कार्य तो तभी होता है जब उसके पीछे किसी प्रकार स्वार्थ की प्रेरणा ना हो। फिर भी ये स्मरण रखना चाहिए कि कर्तव्य ज्ञान से किया हुआ कर्म ही हमें कर्तव्य ज्ञान से अतीत कर्म की ओर ले जाता है, और तब कर्म उपासना में परिणित हो जाता है। इतना ही नहीं, वरन उस समय कर्म का अनुष्ठान केवल कर्म के लिए ही होता है। फिर हमें प्रतीत होगा कि कर्तव्य, चाहे वो नीति पर अधिष्ठित हो अथवा प्रेम पर, उसका उद्देश्य वही है जो अन्य किसी योग का, अर्थात कच्चे मैं को क्रमशः घटाते घटाते बिल्कुल नष्ट कर देना, जिससे अंत में पक्का मैं अपनी असली महिमा में प्रकाशित हो जाए तथा निम्न स्तर में अपनी शक्तियों का क्षय होने से रोकना, जिससे आत्मा अधिकाधिक उच्च भूमि में प्रकाशमान हो सके। नीच वासनाओं के उदय होने पर भी यदि हम उन्हें वश में ले आए तो उससे हमारी आत्मा की महिमा का विकास होता रहता है। कर्तव्य पालन में भी स्वार्थ त्याग की आवश्यकता अनिवार्य है। इसी प्रकार ज्ञान अथवा अज्ञानवश सारी समाज संस्था संगठित हुई है। वो मानो एक कार्यक्षेत्र है, सत असत की एक परीक्षा भूमि है। इस कार्यक्षेत्र में स्वार्थपूर्ण वासनाओं को धीरे धीरे कम करते हुए हम मनुष्य के प्रकृत स्वरूप के अनंत विकास का पथ खोल देते हैं। पर कर्तव्य का पालन शायद ही कभी मधुर होता है। कर्तव्य चक्र तभी हल्का और आसानी से चलता है जब उसके पहियों में प्रेम रूपी चिकनाई लगी होती है, नहीं तो यह निरंतर एक घर्षण सा ही है। यदि ऐसा ना हो तो माता पिता अपने बच्चों के प्रति, बच्चे अपने माता पिता के प्रति,
पति अपनी स्त्री के प्रति और स्त्री अपने पति के प्रति अपना अपना कर्तव्य कैसे निभा सकें? क्या इस घर्षण के उदाहरण हमें अपने दैनिक जीवन में सदैव दिखाई नहीं देते? कर्तव्य पालन की मधुरता प्रेम में ही है और प्रेम का विकास केवल स्वतंत्रता में होता है। परंतु सोचो तो सही, इंद्रियों का, क्रोध का, ईर्ष्या का तथा मनुष्य के जीवन में प्रतिदिन होने वाली अन्य सैकड़ों छोटी छोटी बातों का गुलाम होकर रहना क्या स्वतंत्रता है? अपने जीवन के इन सब क्षुद्र संघर्षों में सहिष्णुता धारणा करना ही स्वतंत्रता की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। स्त्रियां स्वयं अपने चिड़चिड़े एवं ईर्ष्यापूर्ण स्वभाव की गुलाम होकर अपने पतियों को दोष दिया करती हैं। वो दावा करती हैं कि हम स्वाधीन हैं, परंतु वे नहीं जानती कि ऐसा करने से वो स्वयं को निरीह गुलाम सिद्ध कर रही हैं। और यही हाल उन पतियों का भी है जो सदैव अपनी स्त्रियों में दोष देखा करते हैं। पावित्र्य ही स्त्री और पुरुष का सर्वप्रथम धर्म है। ऐसा उदाहरण शायद ही कहीं हो कि एक पुरुष, वो चाहे जितना भी पथ भ्रष्ट क्यों ना हो गया हो, अपनी नम्र, प्रेमपूर्ण तथा पतिव्रता स्त्री द्वारा ठीक रास्ते पर न लाया जा सके। संसार अभी उतना भी गिरा नहीं है। हम बहुधा संसार में बहुत से निर्दय पतियों तथा पुरुषों के भ्रष्टाचरण के बारे में सुनते रहते हैं, परंतु क्या ये बात सच नहीं है कि संसार में उतनी ही निर्दय तथा भ्रष्ट स्त्रियां भी हैं? यदि अमेरिका में सभी स्त्रियां इतनी शुद्ध और पवित्र होती जितना कि वे दावा करती हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि समस्त संसार में एक भी अपवित्र मनुष्य न रह जाता। ऐसा कौन सा पार्श्विक भाव है जिसे पवित्र और सतीत्व पराजित नहीं कर सकता? एक शुद्ध पतिव्रता स्त्री जो अपने पति को छोड़कर अन्य सब पुरुषों को पुत्रवत समझती है तथा उनके प्रति माता का भाव रखती है, धीरे धीरे अपनी पवित्रता की शक्ति में इतनी उन्नत हो जाएगी कि एक अत्यंत पार्श्विक प्रवृत्ति वाला मनुष्य भी उसके सानिध्य में पवित्र वातावरण का अनुभव करेगा। इसी प्रकार प्रत्येक पति को अपनी स्त्री को छोड़कर अन्य सब स्त्रियों को अपनी माता, बहन अथवा पुत्री के समान देखना चाहिए, विशेषकर उस मनुष्य को जो धर्म का प्रचारक होना चाहता है। यह आवश्यक है कि वो प्रत्येक स्त्री को मातृवत देखे और उसके साथ सदैव तद्रूप व्यवहार करे। मातृपद ही संसार में सबसे श्रेष्ठ पद है, क्योंकि यही एक ऐसा पद है जिससे अधिक से अधिक निस्वार्थता की शिक्षा प्राप्त हो सकती है, निस्वार्थ कार्य किया जा सकता है। केवल भगवत प्रेम ही माता के प्रेम से उच्च है, अन्य सब तो निम्न श्रेणी के हैं। माता का कर्तव्य है कि पहले वो अपने बच्चों का सोचे और फिर अपना, परंतु उसके बजाय यदि माता पिता सर्वदा पहले अपने ही बारे में सोचें, तो फल ये होगा कि उनमें तथा उनके बच्चों में वही संबंध स्थापित हो जाएगा जो चिड़िया तथा उनके बच्चों में होता है। चिड़ियों के बच्चे जब उड़ने योग्य हो जाते हैं तो अपने माँ बाप को पहचानते तक नहीं। वास्तव में वो पुरुष धन्य है जो सभी को ईश्वर के मातृभाव की प्रतिमूर्ति समझता है, और वो स्त्री भी धन्य है जो पुरुष को ईश्वर के पितृभाव की प्रतिमूर्ति मानती है, तथा वे बच्चे भी धन्य हैं जो अपने माता पिता को भगवान का ही रूप मानते हैं। हमारी उन्नति का एकमात्र उपाय ये है कि हम पहले वो कर्तव्य करें जो हमारे हाथ में है, और इस प्रकार धीरे धीरे शक्ति संचय करते हुए क्रमशः हम सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी कर्तव्य को घृणा की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। मैं पुनः कहता हूं, जो व्यक्ति अपेक्षाकृत निम्न कार्य करता है, वो किसी उच्चतर कार्य करने वाले की अपेक्षा निम्न श्रेणी का नहीं हो जाता। केवल मनुष्य के कर्तव्य का रूप देखकर उसकी उच्चता नीचता का विचार करने से नहीं बनेगा। देखना तो ये होगा कि वो उस कर्तव्य का पालन किस ढंग से करता है। कार्य करने की उसकी शक्ति और ढंग से ही उसकी जांच की जानी चाहिए। एक तरुण सन्यासी किसी वन में गया। वहां उसने दीर्घ काल तक ध्यान भजन तथा योगाभ्यास किया। अनेक वर्षों की कठिन तपस्या के बाद एक दिन जब वो एक वृक्ष के नीचे बैठा था, तो उसके ऊपर वृक्ष से कुछ सूखी पत्तियां गिरी।
उसने ऊपर निगाह उठाई तो देखा एक कौवा और एक बगुला पेड़ पर लड़ रहे हैं। ये देखकर सन्यासी को बहुत क्रोध आया। उसने कहा, ये क्या तुम्हारा इतना साहस कि तुम ये सूखी पत्तियां मेरे सिर पर फेंको? इन शब्दों के साथ सन्यासी की क्रुद्ध आंखों से आग की एक ज्वाला से निकली और वो बेचारी दोनों चिड़ियां उसमें जलकर भस्म हो गईं। अपने में ये शक्ति देखकर वो सन्यासी बड़ा खुश हुआ। उसने सोचा, वाह, अब तो मैं दृष्टि मात्र से कौवे बगुले को भस्म कर सकता हूं। कुछ समय बाद भिक्षा के लिए वो एक गांव में गया। गांव में जाकर वो एक दरवाजे पर खड़ा हुआ और पुकारा, मां कुछ भिक्षा मिले। भीतर से आवाज आई, थोड़ा रुको बेटा। सन्यासी ने मन में सोचा, अरे दुष्टा, तेरा इतना साहस कि तुम मुझसे प्रतीक्षा कराए, अब भी तू मेरी शक्ति को नहीं जानती। सन्यासी ऐसा सोच ही रहा था कि भीतर से फिर एक आवाज आई, बेटा अपने को इतना बड़ा मत समझ, यहां ना कोई कौवा है और ना बगुला। ये सुनकर सन्यासी को बड़ा आश्चर्य हुआ। बहुत देर तक खड़े रहने के बाद अंत में घर में एक स्त्री निकली और उसे देखकर सन्यासी उसके चरणों पर गिर पड़ा और बोला, मां तुम्हें यह सब कैसे मालूम हुआ? स्त्री ने उत्तर दिया, बेटा न तो मैं तुम्हारा योग जानती हूं और न तुम्हारी तपस्या, मैं तो एक साधारण स्त्री हूं। मैंने तुम्हें इसलिए थोड़ी देर रोका था कि मेरे पतिदेव बीमार हैं और मैं उनकी सेवा में संलग्न थी, यही मेरा कर्तव्य है। सारे जीवन में इसी बात का यत्न कर रही हूं कि मैं अपना कर्तव्य पूर्ण रूप से निभाऊं। जब मैं अविवाहित थी तब मैंने अपनी माता पिता के प्रति कन्या का कर्तव्य पूरा किया और जब मेरा विवाह हो गया तो मैं अपने पतिदेव के प्रति पत्नी का कर्तव्य पूरा करती हूं। बस यही मेरा योगाभ्यास है। अपना कर्तव्य करने से ही मेरे दिव्य चक्षु खुल गए हैं, जिससे मैंने तुम्हारे विचारों को जान लिया और मुझे इस बात का भी पता चल गया कि तुमने वन में क्या किया है। यदि तुम्हें इससे भी कुछ उच्चतर तत्व जानने की इच्छा है तो अमुख नगर के बाजार में जाओ, वहां तुम्हें एक व्याध मिलेगा। वो तुम्हें कुछ ऐसी बातें बतलाएगा जिसे सुनकर तुम बड़े प्रसन्न होगे। सन्यासी ने विचार किया, भला मैं उस शहर में उस व्याध के पास क्यों जाऊं? परंतु उसने अभी जो घटना देखी उसे सोचकर उसकी आंखें कुछ खुल गईं। अतएव वो उस शहर को गया। जब वो शहर के नजदीक आया तो उसने दूर से एक बड़े मोटे व्याध को बाजार में बैठे हुए और बड़े बड़े छुरों से मांस काटते हुए देखा। वो लोगों से अपना सौदा कर रहा था। सन्यासी ने मन ही मन सोचा, अरे अरे, क्या ये वही व्यक्ति है जिससे मुझे शिक्षा मिलेगी? दिखता तो ये शैतान का अवतार है। इतने में व्याध ने सन्यासी की ओर देखा और कहा, महाराज, क्या उस स्त्री ने आपको मेरे पास भेजा है? कृपया बैठ जाइए, मैं जरा अपना काम समाप्त कर लूं। सन्यासी ने सोचा, यहां मुझे क्या मिलेगा। खैर, वो बैठ गया। इधर व्याध अपना काम लगातार करता रहा और जब वो अपना काम पूरा कर चुका था तो उसने अपने रुपए पैसे समेटे और सन्यासी से कहा, चलिए महाराज, घर चलिए। घर पहुंचकर व्याध ने उसे आसन दिया और कहा, आप यहां थोड़ा ठहरिए। व्याध अपने घर में चला गया। उसने अपने वृद्ध माता पिता को स्नान कराया, उन्हें भोजन कराया और उन्हें प्रसन्न करने के लिए जो कुछ कर सकता था किया। उसके बाद वो सन्यासी के पास आया और कहा, महाराज, आप मेरे पास आए हैं, अब बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। सन्यासी ने उससे आत्मा तथा परमात्मा संबंधी कुछ प्रश्न किए और उनके उत्तर में व्याध ने उसे जो उपदेश दिया वही महाभारत में व्याध गीता के नाम से प्रसिद्ध है। व्याध गीता में हमें वेदांत दर्शन की बहुत उच्च बातें मिलती हैं। जब व्याध अपना उपदेश समाप्त कर चुका था तो सन्यासी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, फिर आप ऐसा क्यों रहते हैं? इतना ज्ञान होते हुए भी आप व्याध क्यों हैं? इतना निंदित और कुत्सित कार्य क्यों करते हैं? व्याध ने उत्तर दिया, वत्स, कोई भी कर्तव्य निंदित नहीं है, कोई भी कर्तव्य अपवित्र नहीं है। मैं जन्म से ही इस परिस्थिति में हूं, यही मेरा प्रारब्ध लब्ध कर्म है। बचपन से ही मैंने ये व्यापार सीखा है
परंतु इसमें मेरी आसक्ति नहीं है। कर्तव्य के नाते मैं इसे उत्तम रूप से करता जाता हूं। मैं गृहस्थ के नाते अपना कर्तव्य करता हूं और अपने माता पिता को प्रसन्न रखने के लिए जो कुछ मुझसे बन पड़ता है करता हूं। न तो मैं तुम्हारा योग जानता हूं और न मैं कभी सन्यासी ही हुआ। संसार छोड़कर मैं कभी वन नहीं गया, परंतु फिर भी जो कुछ तुमने मुझसे सुना तथा देखा वो सब मुझे अनासक्त भाव से अपनी अवस्था के अनुरूप कर्तव्य का पालन करने से ही प्राप्त हुआ है। भारतवर्ष में ऐसे बड़े महात्मा हैं। अपने जीवन में मैंने जितने बड़े बड़े महात्मा देखे उनमें से वे एक हैं। वे एक बड़े अद्भुत व्यक्ति हैं। कभी किसी को उपदेश नहीं देते। यदि तुम उनसे कोई प्रश्न पूछो तो भी वो उसका उत्तर नहीं देते। गुरु का पद ग्रहण करने में वे बड़े संकुचित होते हैं। यदि तुम उनसे आज एक प्रश्न पूछो और उसके बाद कुछ दिन प्रतीक्षा करो तो किसी दिन अपनी बातचीत में वे उस प्रश्न को उठाकर उस पर बड़ा सुंदर प्रकाश डालते हैं। उन्होंने मुझे एक बार कर्म का रहस्य बताया। उन्होंने कहा, साधन और सिद्धि को एक रूप समझो, अर्थात साधना काल में साधन में ही मन प्राण अर्पण कर कार्य करो, क्योंकि उसकी चरम अवस्था का नाम ही सिद्धि है। जब तुम कोई कर्म करो तब अन्य किसी बात का विचार ही मत करो, उसे एक उपासना के, बड़ी से बड़ी उपासना के बतौर देखो और उस समय तक के लिए उसमें अपना सारा तन मन लगा दो। यही बात हमने उपर्युक्त कथा में भी देखी है। व्याध एवं वो स्त्री दोनों ने अपना अपना कर्तव्य बड़ी प्रसन्नता से तथा तन्मय होकर किया और उसका फल ये हुआ कि उन्हें दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। इससे हमें यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि जीवन की किसी भी अवस्था में कर्म फल के बिना आसक्ति रखे यदि कर्तव्य उचित रूप से किया जाए तो उससे हमें परम पद की प्राप्ति होती है। कर्म फल में आसक्ति रखने वाला व्यक्ति अपने भाग्य में आए हुए कर्तव्य पर भिनभिनाता है। अनासक्त पुरुष को सब कर्तव्य एक समान हैं। उसके लिए तो वे कर्तव्य स्वार्थपरता तथा इंद्रिय परायणता को नष्ट करके आत्मा को मुक्त कर देने के लिए शक्तिशाली साधन हैं। हम अपने कर्तव्य पर जो भिनभिनाते हैं उसका कारण ये है कि हम अपने को बहुत योग्य समझते हैं, यद्यपि हम वैसे हैं नहीं। प्रकृति ही सदैव कड़े नियम से हमारे कर्मों के अनुसार उचित कर्म फल का विधान करती है। इसमें तनिक भी हेर फेर नहीं हो सकता और इसलिए अपनी ओर से चाहे हम किसी कर्तव्य को स्वीकार करने के लिए भले ही अनिच्छुक हों, फिर भी वास्तव में हमारे कर्म फल के अनुसार ही हमारे कर्तव्य निर्दिष्ट होंगे। स्पर्धा से ईर्ष्या उत्पन्न होती है और उससे हृदय की कोमलता नष्ट हो जाती है। असंतुष्ट तथा तकरारी पुरुष के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी चीज से संतोष नहीं होता और फलस्वरूप उसका जीवन दूभर हो उठना और असफल हो जाना स्वाभाविक है। हमें चाहिए कि हम काम करते रहें, जो कुछ भी हमारा कर्तव्य हो उसे करते रहें, अपना कंधा सदैव काम से भिड़ाए रखें, तभी हमारा पथ ज्ञान लोक से आलोकित हो जाएगा।